फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ऐप आपके फोन से डिलीट नहीं होती उसे आप परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में, तो इसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलाब, आप देख रहे हैं जीबीसीएनआर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, पहले आपको ये देखना है कि देखिए ये दो ऐप है, ये मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल की है, तो ये मैं आपको अभी डिलीट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वापस आ जाती है, दोनों ऐप है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इंस्टॉल की है अपने फ़ोन में। ठीक है, अब ये ऐसा हो रहा है तो इसको हम डिलीट कैसे करें, तो देखिए आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, वहाँ जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में, देखिए ये वाला, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला आ रहा है डिवाइस एडमिन ऐप्स। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, अगर देखिए आपके पास शाओमी का फ़ोन है तो आपको ये जो मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको अपने फ़ोन में सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, अगर शाओमी का नहीं है तो आपको दूसरे कोई ब्रांड का है, तो आपको क्या करना है कि आपको या तो एडिशनल सेटिंग दिखाएगा या सिक्योरिटी सेटिंग दिखाएगा। ठीक है, आपको दोनों में से एक पे क्लिक करना है। अगर सिक्योरिटी वाला दिखाता है तो आपको उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको प्राइवेसी देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो बाद में इसी तरह का आपको जो है मिलेगा। ठीक है, सेटिंग अगर शाओमी का फ़ोन नहीं है तो डिवाइस एडमिन ऐप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर ये जो ऐप डिलीट नहीं होती वो यहाँ पर सारी है, और यहाँ पर ये जो मार्क किया हुआ है ये आप कभी डिलीट नहीं होगी। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो ये मार्क जो है उसे आपको हटाना होगा। तो अभी हम इसे हटा देते हैं, देखिए डीएक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ये हट गया, अभी आपको ये वाला भी हटा देना है। ठीक है, ये दोनों हट गया, डिसेबल कर दिया मैंने ये एक ऐप तो रखूँगा मैं, और अभी मैं आपको इसे डिलीट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये गया, और ये दूसरा वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको अपने फ़ोन में सेटिंग कर लेनी है। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।